यूक्रेन में छिड़ी जंग के बीच पूरे यूरोप पर एक बार फिर भयानक न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा मंडराने लगा है। ये खतरा जताया गया है परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल के लिए काम करने वाली संस्था IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बयान के बाद। एजेंसी ने दावा किया है कि रूस ने उत्तरी यूक्रेन के जिस चेर्नोबिल परमाणु प्लांट पर कब्जा किया था वहां से उसे डेटा मिलना बंद हो गया, क्योंकि IAEA का चेर्नोबिल प्लांट के सिक्योरिटी कंट्रोल सिस्टम से संपर्क ही टूट चुका है। इस सनसनीखेज दावे ने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं, क्योंकि डेटा ना मिलने का एक ही मतलब निकाला जा रहा है कि रूस के कब्जे में मौजूद चेर्नोबिल परमाणु प्लांट बहुत बड़े खतरे में है। रूस ने यूक्रेन पर हमला करने के पहले ही दिन 24 फरवरी को ही लगभग 22 साल से बंद पड़े चेर्नोबिल प्लांट को अपने कब्जे में ले लिया था। तभी से न्यूक्लियर प्लांट की सुरक्षा को लेकर सभी देश सकते में थे और अब वो डर सच होता दिख रहा है। लेकिन डर सिर्फ चेर्नोबिल प्लांट से संपर्क टूटने का ही नहीं है, बल्कि यूक्रेन ने यह आरोप भी लगाया है कि चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट की बिजली भी कट गई है। और अगर चेर्नोबिल प्लांट में बिजली नहीं आई तो सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप में बहुत बड़ी तबाही आ सकती है, क्योंकि भले ही चेर्नोबिल प्लांट बंद पड़ा हो लेकिन किसी भी न्यूक्लियर पावर प्लांट में चाहे रिएक्टर काम कर रहा हो या नहीं परमाणु ईंधन को हर वक्त ठंडा रखना पड़ता है। ये बेहद जरूरी होता है। अगर ऐसा ना हो तो रेडियो एक्टिव पदार्थ के लीक होने का खतरा रहता है, लेकिन डर है कि बिजली ना होने की वजह से चेर्नोबिल परमाणु प्लांट में ये काम हो ही नहीं पाएगा। और तो और चेर्नोबिल परमाणु प्लांट वो जगह है जहां 1986 में यानी आज से करीब 36 साल पहले दुनिया का अब तक का सबसे भयानक परमाणु हादसा हुआ था, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। उस हादसे के बाद इतना भयानक रेडिएशन फैला था कि आज भी चेर्नोबिल प्लांट से रेडियो एक्टिव पदार्थ लीक हो रहा है। उसी पर काबू पाने के लिए प्लांट को लगातार मैनेज करना जरूरी है ताकि वहां दोबारा 36 साल पहले वाली त्रासदी न हो। लेकिन यूक्रेन पर हमला करने के बाद 24 फरवरी को रूस की सेना ने चेर्नोबिल प्लांट पर कब्जा कर लिया और उस वक्त प्लांट में काम कर रहे यूक्रेन के 200 से ज्यादा टेक्निकल स्टाफ और गार्ड को भी तभी से वहां फंसे हुए हैं। यूक्रेन का दावा है कि रूस के कब्जे की वजह से चेर्नोबिल प्लांट में काम ही नहीं हो पा रहा, जो कि पूरे यूरोप में रेडिएशन विस्फोट कर सकता है। उसका आरोप है कि चेर्नोबिल प्लांट में फंसे कर्मचारियों को ठीक से खाना पीना भी नहीं मिल पा रहा। ऐसे में IAEA ने रूस से अपील की है कि वो यूक्रेन के उन कर्मचारियों को अब आराम करने दे और प्लांट में उनकी जगह दूसरे लोगों का इंतजाम किया जाए।